कैंडिड अमन कहानियों का रंगमंच। पिछले पार्ट में आपने सुना वेदिका एसआर के इरादों को समझने की कोशिश कर रही होती है जब वो अचानक उसे पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पर हल्का किस कर देता है। वेदिका उसकी हरकतों से घबराई हुई महसूस करती है लेकिन एसआर की पकड़ से छूट नहीं पाती। एसआर उसे एक रहस्यमय क्लोजेट रूम में ले जाता है जहां चारों तरफ मिरर होते हैं और महंगी डिजाइनर सूट सजे होते हैं। एसआर वेदिका से कहता है कि वो एक सूट चुने जो वो पहनाना चाहती है उसको। वेदिका इसे अपने लिए मौका समझकर एसआर के लिए रेगुलर बिजनेस सूट को उसके लिए चूज कर लेती है लेकिन एसआर उसकी उम्मीदों के एकदम ऑपोजिट उस सूट को पहनने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी से एसआर वेदिका को मेंटल रूप से उलझाता रहता है, उसकी हिचकिचाहट और घबराहट से खेलता है। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी जान अभी तक कैंडिड अमन यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है। मतलब कहानी तो आपको डेली सुननी है लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ढेर सारा प्यार हमें दे दो एंड 15,000 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। अब वो क्या है वो तभी पता लगेगा जितना जल्दी आप 15,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करवा दोगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। एसआर ने धीरे धीरे वेदिका का हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी पकड़ मजबूत थी जैसे वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। उसकी उंगलियों का स्पर्श वेदिका की नसों में एक अनजानी थरथराहट भर रहा था। एसआर ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डालते हुए अपने लहजे को बदलकर वेदिका के शब्द अपने मुंह से निकालते हुए कहा, मुझे लगता है एसआर आपको ये सूट पहनना चाहिए, यह आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है और आज के ओकेजन को भी। वेदिका को एक झटका सा लगा जब उसने सुना कि एसआर उसके शब्द खुद के मुंह से निकाल रहा था। एसआर की इस हरकत में एक अजीब सी शरारत और पागलपन था जो वेदिका को पूरी तरह से असहज कर रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी सांसें थोड़ी अनियमित हो गई। एसआर ने वेदिका की आंखों में देखना बंद नहीं किया जैसे उसकी हर प्रतिक्रिया को बारीकी से पढ़ रहा हो। वो क्या हुआ, तुम्हारे शब्द ही तो कह रहा हूं मैं, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। वेदिका के पास इस सब के लिए कोई जवाब नहीं था। एसआर की हरकतों में एक अजीब सा पागलपन था और वो इसे समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि एसआर इस मेंटल गेम में उसे और कमजोर करना चाहता है। वो एक पल के लिए खुद को एसआर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन एसआर ने उसकी कलाई को और कसते हुए कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है वेदिका, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम क्या चाहती हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। उसकी उंगलियां अब भी उसकी कलाई को मजबूती से थामे हुई थी। उसने वेदिका का दूसरे सूट पर हाथ रखते हुए कहा, ओह तो क्या तुम्हें यह सूट पसंद आया। वेदिका घबराहट से उसकी ओर देख रही थी, उसकी सांसें अब गहरी हो रही थी। एसआर की मौजूदगी उसे हर पल और ज्यादा असहज बना रही थी लेकिन उसके दिमाग में एक भी विचार नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या क्या करे। एसआर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्या हुआ वेदिका, बोलने का वक्त आ गया है, तुम चुप क्यों हो। वेदिका की हिचकिचाहट अब उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी और एसआर उसके हर एक्सप्रेशन से खेल रहा था। एसआर ने उसके करीब आकर धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हारे शब्दों को मैं जानबूझकर अपने शब्द बना रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि मेरे लिए तुम्हारे फैसले का कोई मतलब नहीं, जो मैं चाहूंगा वही होगा, डू यू अंडरस्टैंड। उसकी आवाज में एक अजीब सा गहरापन और ठहराव था जो वेदिका को और भी ज्यादा डराने लगा था। एसआर अब भी उसकी आंखों में घूर रहा था जैसे वो उसे पूरी तरह से पढ़ चुका हो। उसने सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब बोलो क्या ये तुम्हें पसंद है या तुम्हें कुछ और चाहिए। वेदिका के पास जवाब नहीं था लेकिन एसआर ने एक बार फिर उसे बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसकी मुस्कान और उसकी निगाहें वेदिका को पूरी तरह से जकड़ रही थी। एसआर का ये खेल और उसकी मर्जी का दबाव अब वेदिका को और भी ज्यादा कमजोर कर रहा था। मैं वेदिका ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया लेकिन एसआर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी उंगलियों को अपनी पकड़ में कसकर कहा, तुम्हें जो कहना है कह दो, मैं सुन रहा हूं मेरी जान। वेदिका ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें नीचे कर ली। हाँ ये सूट सही है। एसआर ने उसे उसकी हार का संकेत मानते हुए अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हें भी वही पसंद है जो मुझे पसंद है। वेदिका वहां से दौड़ते हुए बाहर आ गई और इस बार एसआर ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वेदिका ने जैसे ही रूम में कदम रखा उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें एक अजीब सी दौड़ लगा रही हैं।
उसकी सांसें गहरी और कंट्रोल से बाहर हो गई थी, जैसे हर पल वो एसआर की मौजूदगी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो पूरी तरह नाकामयाब हो रही थी। एसआर के सामने कुछ भी कहने का साहस उसमें जैसे दिख ही नहीं रहा था। एसआर ने फिर से वही किया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, वेदिका को उसके ही शब्दों से मात देना। उसने बड़ी चालाकी से वो सूट वेदिका से पसंद करवा लिया जो वो खुद पहनना चाहता था। ये खेल एसआर के लिए बेहद आसान था। उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जिसे तोड़ पाना वेदिका के बस की बात तो नहीं थी। वेदिका खुद को किसी तरह संभालते हुए रूम में आई और ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई। उसने उंगलियां अपने बालों को कसकर बांधने में लगा दी, लेकिन उसकी सोच एसआर के उसी चेहरे और उसकी हरकतों के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो जानती थी कि एसआर कुछ कहे या ना कहे, उसका हर एक कदम उसे और उसके इर्द गिर्द की दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अचानक एसआर के क्लोजेट रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। एसआर ने उस दरवाजे से कदम बाहर रखा और जैसे ही वो उस ब्लैक टक्सीडो में नजर आया, वो किसी शाही प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। एसआर की पर्सनैलिटी हमेशा इंप्रेसिव रहा करती थी, लेकिन आज उस टक्सीडो में और भी ज्यादा आकर्षक और स्ट्रांग लग रहा था वो। उसकी लंबी कद काठी और उसकी अच्छी तरह से घटी हुई बॉडी उस सूट की फिटिंग के साथ और भी उभर कर सामने आ रही थी। उसके काले लेदर बूट्स की आहट ने रूम के वातावरण में और भी ज्यादा गंभीरता भर दी। एसआर का हर कदम उस प्रभाव का एहसास करा रहा था जो वो अपनी मौजूदगी में छोड़ता था। वेदिका ने मिरर में एसआर को अपने करीब आते हुए देखा। उसकी सांसें फिर से तेज हो गई। एसआर की आंखें उसकी ऊपर जमी हुई थी, जैसे वो वेदिका की हर छोटी से छोटी हरकत को पढ़ रहा हो। एसआर के नज़दीक आने से वेदिका को और भी ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन वो खुद को मिरर में ही देखती रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उसकी आंखों में देखा तो शायद उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। एसआर ने उसकी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। वो उसकी शर्मिंदगी और नर्वसनेस को साफ पढ़ सकता था, और यही तो एसआर के लिए सबसे बड़ा खेल था, वेदिका की कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। एसआर ने धीमे स्वर में कहा, क्यों नजरें चुरा रही हो वेदिका, तुम्ही ने तो ये सूट पसंद किया है मेरे लिए, है ना? उसकी आवाज में शरारत थी, जैसे वो जानता था कि उसने वेदिका को एक बार फिर से हराया है। वेदिका ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैंने वो सिर्फ इसीलिए चुना क्योंकि, उसकी आवाज टूट रही थी, उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। एसआर ने एक कदम और करीब आकर उसकी कुर्सी के पीछे खड़े होते हुए धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके स्पर्श ने वेदिका के शरीर में एक झुरझुरी सी पैदा कर दी। क्योंकि, एसआर ने उसकी हिचकिचाहट को और भड़काने की कोशिश करते हुए कहा। वेदिका ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एसआर की मौजूदगी ने यह मुमकिन नहीं होने दिया। उसने फिर से बोलने की कोशिश की, क्योंकि आपने मुझसे कहा था। उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि एसआर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैंने जो कहा तुमने उसे ही माना, ये अच्छी बात है। वेदिका ने एक गहरी सांस ली और एसआर से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन एसआर ने उसे ऐसा करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने वेदिका के बालों को पीछे की ओर करते हुए उसकी गर्दन के पास झुककर धीरे से कहा, अब इस रूम में मुझसे कहां भाग सकती हो तुम? आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर ब्यूटी। मन कर रहा है कि बस तुम्हें इसी तरह से अपनी निगाहों में बसा लूं और ये वक्त यहीं थम जाए। वेदिका की धड़कनें अब और भी तेज हो गई। उसकी नजरें अब भी मिरर से एसआर को ही देख रही थी। उसकी नजदीकी और उसकी बातें वेदिका को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रही थी। एसआर की मौजूदगी का असर उसके हर शब्द और हरकत में साफ झलक रहे थे। एसआर ने उसके कंधे से हाथ हटाते हुए एक पल के लिए पीछे हटकर उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम जानती हो वेदिका कि मैं क्या चाहता हूं, और चाहकर भी मेरी पसंद को बदल नहीं सकती। उसकी आवाज में वही ठहराव और कॉन्फिडेंस था। वेदिका ने आखिरकार उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में घबराहट थी, लेकिन एसआर की आंखों में सिर्फ जीतने की चमक। एसआर ने एक बार फिर से उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि उसके फैसले का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वेदिका ने अपने बाल सलीके से बांध लिए थे। एसआर ने उसे एक झटके में खोल दिया। उसकी उंगलियां वेदिका के बालों में लहराती हुई उसकी पीठ पर बिखर चुकी थी। वेदिका थोड़ी सकपकाई, लेकिन एसआर की निगाहें उसके चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हट पाई थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम खुले बालों में ज्यादा हसीन लगती हो, बांधने की जरूरत नहीं है। वेदिका की सांसें थम गई थी। एसआर का जिद्दीपन और उसके हर एक कदम में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। वो वेदिका को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। एसआर ने बिना एक शब्द और कहे उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ रूम से बाहर ले आया। अंबर और मासी जी पहले ही पार्टी के लिए निकल चुके थे, क्योंकि एसआर ने उन्हें ऐसा कहा कि वो खुद वेदिका को अपने साथ लेकर आएगा।
वेदिका के मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन एसआर के सामने वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो जानती थी कि एसआर ने जो ठान लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। उसकी पकड़ मजबूत थी और उस पकड़ में एक ऐसी शक्ति थी जो वेदिका को पूरी तरह से अपने वश में किए हुए थी। जब दोनों घर से बाहर पहुंचे, एसआर वेदिका का हाथ थामे हुए अपनी कार के पास आ चुका था। शोफर ने जैसे ही कार का डोर खोला, वेदिका ने चुपचाप अंदर बैठने में ही भलाई समझी। उसने गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा संभाला और सीट पर बैठ गई। एसआर ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर खुद भी दूसरी तरफ कार में आकर बैठ गया। वेदिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। एसआर का हाथ साइड सपोर्ट पर था और उसकी नजरें साइड में रोड पर टिकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का असर वेदिका को महसूस हो रहा था। जल्द ही एसआर की महंगी और चमचमाती कार रिसेप्शन पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गई। वेन्यू किसी शाही महल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ लाइट्स की सजावट, महंगी गाड़ियां और शानदार माहौल ने वेदिका के मन में हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी। एसआर ने शोफर को कार पार्क करने के लिए इशारा किया और खुद दरवाजा खोलते हुए बाहर आया। एसआर ने फिर से वेदिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। चलो, उसने कहा और वेदिका बिना कोई विरोध किए उसका हाथ थामकर बाहर आ गई। उसके दिल में बेचैनी थी, लेकिन एसआर की पकड़ उसे खुद को संभलने का इशारा दे रही थी। वेन्यू के बाहर जैसे ही दोनों साथ आए, हर निगाह उन पर थी। एसआर की ऊंची और इंप्रेसिव शख्सियत के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। उसकी चाल में एक अजीब सा दबदबा था, जैसे वो जहां भी जाता वहां उसकी मौजूदगी का एहसास सबको हो जाता। वेदिका उसके साथ चलते हुए खुद को छोटा और कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन एसआर का साथ उसे ये भी समझा रहा था कि उसकी दुनिया में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेदिका ने हल्की आवाज में कहा, यहां आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी पार्टी सिर्फ आपके लिए है, मैं तो एक गेस्ट हूं। एसआर ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पार्टी मेरे लिए नहीं, हमारे लिए है मेरी जान, और मुझे यकीन है कि तुम इस रात को हमेशा याद रखोगी। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो वेदिका के मन में हल्की सी घबराहट और बढ़ा गया। वो जानती थी कि एसआर कुछ भी कहे, वो अपने हर एक शब्द का मतलब पूरा करता है। क्या होने वाला है इस पार्टी की रात? कब होगी अभिमान की एंट्री? क्या एसआर को चलेगा मालूम अंबर के अभिमान के ऑफिस में काम करने के बारे में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।